इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मोदी के मुरीद और भागवत के करीबी दुबई के अरबपति बीआर शेट्टी के तमाम खाते सील कर दिए गए। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पर अरब देशों के समाज कारकुन, रॉयल फैमिली के लोग भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे मजहबी तशद्दुद के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ आवाज़ उठा रहे। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पहली बार वज़ीर आज़म ने रमज़ान की मुबारकबाद दी। ये भी सोचने की बात है कि मुस्लिम माशरे को रमज़ान के महीने में ज़्यादा इबादत करने की भी अपील की ताकि कोरोना ख़त्म हो जाए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना मजहब जात देखकर हमला नहीं करता। वाज़ह है कि भारत में कोरोना फैलाने के आरोप लगाकर तबलीगी जमात को हर तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम बस्तियों में रहने वालों के साथ दौरा बर्ताव किया जा रहा है। सब्जी फल बेच रहे मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर पीटा भी जा रहा है। खैर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, कतर, तुर्की आदि तमाम देशों के साथ इस्लामिक देशों की तंजीम OIC भी भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते इस्लामफोबिया पर अपना फिक्र का इजहार कर चुकी है। बदले बदले जो सरकार आजकल नजर आ रहे हैं उसी की वजह कह सकते हैं। दुबई UAE के सेंट्रल बैंक CBUAE ने देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भारतीय अरबपति बीआर शेट्टी और उनके तमाम खानदान के सभी बैंक खातों की खोज करने और उन्हें फ्रीज करने का हुक्म जारी किया गया और दिगर आला अफसरान को शेट्टी के तमाम कारोबारी इदारों को ब्लैक लिस्ट करने को भी कहा है। जो हासिल इत्तला हो रही है, गल्फ न्यूज़ के मुताबिक CBUAE ने सभी वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया, यानी कि हुक्म दिया है कि वे शेट्टी के खातों से पैसों को ट्रांसफ़र भी करने ना दे और जमा बॉक्स तक पहुँच से महरूम रखे। पिछले हफ्ते एक एडवाइजरी जारी करते हुए दिगर आला बैंक जहाँ पर शेट्टी के खाते हैं, फेडरल अटर्नी जनरल के फैसलों का हवाला दिया और वित्तीय संस्थानों को शेट्टी या उनके परिवार के सभी मेम्बरान के नाम से किसी भी बैंक खाते जमा या निवेश को खोजने और फ्रिज करने के लिए कहा गया। आखिर कौन है ये शेट्टी? करोड़ों की दौलत लगाता था RSS के कामों में। शेट्टी NMC हेल्थ के बानी है, इनके संस्थापक है। कई सारे इल्जाम का सामना फिलहाल वो कर रहे। कुल मिलाकर UAE बैंकों के पास शेट्टी की NMC से अधिक 8 बिलियन का एक और संयुक्त प्रदर्शन है जो ओमान स्थित बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए भी देता है। NMC हेल्थ केयर और NMC होल्डिंग के लिए इसी तरह की एक सलाह जारी की गई है जो प्लेनरी फंड प्रोसिक्यूशन के प्रमुख के फैसले पर आधारित है। सेंट्रल बैंक ने शेट्टी से जुड़ी कई कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इन फर्मों के अलावा ओहदेदारान को सभी के साथ ब्लैकलिस्ट भी किया गया। यह कहा यह भी जा रहा है कि राम मंदिर रथ यात्रा के लिए भी भरपूर ताउन मदद शेट्टी की जानिब से की जा रही थी। हिंदुत्व के तंजीमों को मदद करने का भी इल्जाम इस पर लगाया गया। शेट्टी के बिजनेस को तब करारा झटका लगा जब पिछले साल दिसंबर में मड्डी वाटर रिसर्च के फाउंडर तथा शॉर्ट सेलर कार्सन ब्लॉक ने अपनी एक रिपोर्ट में NMC हेल्थ पर संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी का फर्जी आंकड़ा देने तथा कंपनी के असासियों की चोरी का इल्जाम भी लगाया गया था। इसके महज 3 महीने बाद ही NMC के शेयरों को लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार करने से रोका गया और 2 सप्ताह पहले इसने ऐलान किया कि इस पर लगभग $5 अरब लगभग 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। UAE के मरकजी बैंकों ने तहकीक करना शुरू की। UAE एक्सचेंज ने इस सप्ताह अपनी शाखाओं तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नया लेन देन भी बंद कर दिया गया क्योंकि UAE के मरकजी बैंकों ने ऐलान किया है कि इसने UAE एक्सचेंज के खिलाफ जांच शुरू की है और इसके ऑपरेशंस मैनेजमेंट की जाँच करेगा। UAE में शेट्टी के जाती प्रॉपर्टीज में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा में 2 फ्लोर और पाम आइलैंड यानी कि पाम जुमेरा बीच में भी इनके विले हैं। पिछले साल सितंबर में इन्होंने अरेबियन बिजनेस से बातचीत में कहा था, चुनौतियां हर वक्त होती है लेकिन जब आप उनके सामने नहीं झुकते हैं और सही तरीके से काम करते हैं तो वह आपके लिए रास्ते से हट जाते हैं। हम नंबर 1 पर है, ये भी इनका दावा था। आपको बता दें कि इससे पहले बीआर शेट्टी का RSS से भी लिंक सामने आया था। वही दुबई में भी मंदिर निर्माण में अहम भूमिका इन्होंने ही निभाई थी। आखिरकार खरबों की प्रॉपर्टीज को सीज किया गया। संघीय विचारधारा के तंजीमों से मिलकर भारत में रहने वाले
मुसलमानों के खिलाफ तदाबीर करना आखिर महंगा पड़ा और ऐसे दिगर अमीरों की फहरिस्त बनाई जा रही है जो भारत के मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद फैलाने वालों को मदद करते हैं। सैकड़ों की फहरिस्त है। दुनिया भर में हो रही कार्रवाई और तनकीद का वाकई कुछ असर होता है या नहीं, अब देखना है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।